हेलो बच्चों, हम अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं अनिल मौर्य, इस कोविड-19 के महामारी के युग में, जबकि आपके कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, ऐसे समय में वीडियो के माध्यम से आपको 9वीं क्लास के विज्ञान के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, 9वीं क्लास में आने से पहले आपने 6वीं, 7वीं और 8वीं क्लास के विज्ञान के सिलेबस को पढ़ा होगा। उसमें आपको छोटे स्तर पर विज्ञान की चीज़ें बताया गया था। अब धीरे धीरे आपका वो बेस तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में चलकर आप इंटरमीडिएट, बीएससी या आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन वगैरह की भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। बच्चों, कक्षा 9वीं विषय है आपका विज्ञान। विज्ञान में तीन विषय एक साथ आप पढ़ते हैं। एक पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, जिसमें आपके इस सिलेबस में सबसे पहले रसायन विज्ञान का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला जो आपका अध्याय है, अध्याय एक, यह है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग की चर्चा होते ही हमें ये बात कौंधने लगती है कि सराउंडिंग, हमारे आसपास तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। हम अपने आसपास घरों की दीवारों को देखते हैं, कुर्सी मेज देखते हैं, रात के समय तारे देखते हैं, दिन में सूर्य देखते हैं, रात में ही चंद्रमा भी देखते हैं, बादल देखते हैं, अनेक वस्तुएं, पेड़ पौधे, जंतु आदि जो है हम अपने आसपास देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यदि हम जीवों की बात करें, पेड़ पौधे और जंतुओं की बात करें, तो पुराने समय से ही, आदिकाल से ही, जब से हम ईश्वर और उसकी सत्ता के संदर्भ में मानना शुरू कर दिए हैं, तब से ये बात सामने आई है कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। कौन कौन से तत्व हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब आकाश, क्षिति जल एंड पानी, पावक अग्नि, गगन, क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर के जीवों का, यानी पेड़ पौधे और जंतुओं, इन सब का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं।
तत्वों का अध्ययन करते समय, यानी तत्व जिन जो कि पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इनका अध्ययन करते समय हम दो बातों यानी दो लक्षणों को, इनके दो स्वरूपों को समझते हैं। एक तो है पहला भौतिक स्वरूप और दूसरा है रासायनिक स्वरूप। तो हम चलते हैं पहले पदार्थ के जो मौलिक स्वरूप हैं उस पर चलते हैं। पदार्थ का मौलिक स्वरूप, पदार्थ के मौलिक स्वरूप पर हम चलते हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ मैटर। पदार्थ के मौलिक स्वरूप पर चलते हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किसी भी पदार्थ को आप देखेंगे तो चाहे वो लकड़ी हो या फिर चाकू हो या कुर्सी मेज या जितने भी पदार्थ आप देखते हैं, सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये कणों से मिलकर बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा सही है या गलत है। हमने एकाएक तो नहीं कह दिया कि हाँ ये पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि आओ करके सीखें। जब तक हम किसी भी चीज़ को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से करते हुए करके नहीं देख लेते हैं, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये वस्तु वास्तव में इसी स्वरूप में पाई जाती है। इसलिए हम विज्ञान में हर चीज़ को उसके स्वरूप को करके देखते हैं। जब तक वो हमारे प्रेक्षणों पर, हमारे प्रयोगों पर सही साबित नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको नहीं मानते हैं। चलो करके सीखने की बात आती है तो हम सबसे पहले एक किसी बर्तन में जल लेते हैं। जल लेकर के उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब हमारे आँखों के सामने दो चीज़ें आई, एक तो जल आया और दूसरा नमक या चीनी आया। नमक या चीनी को जल में हम डाल देते हैं। डालने के बाद उसको थोड़ी देर हम हिला देते हैं यानी घुमाते हैं, तो कुछ समय पश्चात हमें चीनी के कण नहीं दिखाई देते हैं। अब ये चीनी के कण क्या हुए, इनका क्या हुआ, कहाँ गए, लुप्त हो गए, क्या ये कोई चमत्कार है? अगर चमत्कार है तो फिर हम विज्ञान के स्टूडेंट कैसे हैं? हमें खोज करनी चाहिए कि चीनी के कण गए कहाँ, या जल में जब हमने चीनी या नमक को डाला था तो उस समय जल का स्तर ऊंचा उठा कि नहीं उठा, जल का स्तर नीचे तो नहीं हो गया, ये सोचना चाहिए। अगर जल का स्तर ऊंचा उठा था यानी ऊपर की ओर गया था, तो ये समझते हैं कि निश्चित रूप से चीनी या नमक को जल में डालने से ये प्रभाव आया और चीनी या नमक के कणों ने जल के स्तर को ऊंचा उठा दिया। अब बात ये आती है कि चीनी या नमक के कण गए कहाँ, उनका क्या हुआ? इसके लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। माना कि आपके उस रूम में जहाँ आप बैठे हैं उसमें पूरी फर्श पर
एक परत सेब की रख दिया जाए, सीरियल से लगा दें सेब को। हमारे पास सरसों होता है, सरसों के दाने को 1 किलो के आसपास या 2 किलो 3 किलो जो हो सके ला करके हम छीट दें, छितरा दें, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि सरसों के दाने दिखेंगे ही नहीं आपको, सिर्फ सेब ही सेब दिखेगा। ये उसी तरह से है जैसे जल में नमक के समान या चीनी के समान। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि सेब के, दो सेब के बीच में कुछ स्थान रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, और उन खाली स्थान पर में सरसों पहुंच करके प्रवेश कर जाता है, और सरसों का अस्तित्व एक तरह से सेब के समक्ष ऐसा लगता है कि समाप्त हो गया है, लेकिन नहीं, सरसों के कणों का आकार इतना छोटा है कि वे दो सेब के बीच में जो जगह बची रहती है उसमें घुस जाते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। इसका मतलब है कि दो सेबों के बीच में जगह पाई जाती है। हो न हो ऐसा ही जल और नमक या चीनी के बीच भी हुआ है। चलो इसको एक अन्य प्रयोग से देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है, रखा हुआ है, ये देखिए पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है हमने। अब पोटेशियम परमैंगनेट को पहले हम एक बीकर में जल को भर लेते हैं। ये मैंने भर लिया 250 ml जल डाल दिया, इस बीकर में 250 ml जल हमने डाल दिया है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि 2-3 कण पोटेशियम परमैंगनेट के हमने यहाँ इसमें डाल दिया। अब आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ये लाल रंग का, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के कण ऊपर की ओर भाग रहे हैं और ये थोड़ी ही देर में जहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल मैंने डाला था वो क्रिस्टल नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और ये पूरा द्रव लाल रंग का हो जाएगा। अब ये लाल रंग का द्रव क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न उठ रहा है कि लाल रंग का द्रव हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी क्या बात है जिस वजह से ये द्रव पूरा का पूरा लाल रंग का हो रहा है। थोड़ी देर में ये, अभी तो कम है ये जो गुलाबी रंग का है, पर्पल कलर का है, ये अभी कम है, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे बीकर में फैल जाएगा। फिर पोटेशियम परमैंगनेट और जल, पोटेशियम परमैंगनेट का मैंने 3-4 क्रिस्टल ही डाला था, लेकिन ये पूरी तरह से गुलाबी रंग का हो रहा है आपका जो है द्रव यानी जल। एक तरफ जहाँ पोटेशियम परमैंगनेट है उस जगह से यानी उसकी वहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता शब्द हमने ले लिया, यानी जिस जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट है उस जगह पर सबसे अधिक क्या चीज़ है, पोटेशियम परमैंगनेट है, यानी इसके बॉटम पर नीचे तली में पोटेशियम परमैंगनेट है और ऊपर की ओर जल था, नीचे की ओर पोटेशियम परमैंगनेट चूँकि ऊपर से ही डाला है तो नीचे चला गया और इसके तली में बैठ गया, बॉटम में बैठ गया। अब ये धीरे धीरे पूरे द्रव को गुलाबी कर देगा,
फिर ये गुलाबी हो रहा है तो एक तरह से क्रिया हो रही है, कुछ कार्य हो रहा है। वो कार्य क्या कहलाता है? जब दो पदार्थ एक दूसरे में, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाते हैं, दोनों पदार्थ, यहाँ पर जो द्रव है ये ऊपर से नीचे की ओर, जिस जगह पर ज़्यादा घनत्व इसका है गुलाबी रंग का है उस जगह जाता है, और गुलाबी रंग का घनत्व यानी गुलाबी रंग जहाँ ज़्यादा चटक है उस जगह से फीके तरफ, जहाँ फीका रंग है जल का उस तरफ जाता है। यानी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि गुलाबी रंग की सांद्रता जिधर ज़्यादा है उधर से, जिधर कम सांद्रता गुलाबी रंग का है उस दिशा में ये जल और पोटेशियम पर मैग्नेट एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो जल ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और दोनों एक दूसरे की दिशा में जाते हैं। तो इस तरह की जब कोई क्रिया होती है तो उसे हम विसरण क्रिया कहते हैं। एक चीज़ आगे आपका विसरण, तो विसरण क्रिया इसी को कहते हैं कि एक दिशा से दूसरी दिशा में एक पदार्थ जाता है तो दूसरा पदार्थ पहली दिशा में भी आता है, ये क्रिया विसरण क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार अभी तो हमने जल को एक बीकर में डाला था और उसमें क्रिस्टल डाल दिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, और वो गुलाबी रंग का हो गया था। देखिए अब इसके कुछ मात्रा को, चूँकि इसमें ये प्रवेश कर गया है और पूरे द्रव में फैल गया है, ये इस कलर में है, इसका 10% यानी थोड़ी सी मात्रा 25 ml हम इसमें डाल देते हैं दूसरे बीकर में, तो क्या होता है? 25 ml हमने डाल दिया, बहुत थोड़ी सी मात्रा हमने इसमें डाल दिया। अब इस जो 250 ml था उसका भी रंग उसी तरह से लेकिन थोड़ा सा कम, उसमें बहुत ज़्यादा जो है इसका रंग था, इसमें थोड़ा सा हल्का हो गया है। इसका मतलब है कि इसके कण बहुत छोटे होते हैं, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के कण बहुत ही छोटे होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नैनोमीटर के रेंज में हो सकते हैं ये, तो इतने छोटे होते हैं। अब हम फिर से वही प्रयोग दोहराते हैं कि एक अन्य बीकर में जो कि हमारे पास है यहाँ पर, फिर से 250 ml जल लिया। लेने के पश्चात हम इसके 10% सल्यूशन को इसमें डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका कलर उतना नहीं हुआ कि जितना पहले वाला था, लेकिन उसके बावजूद इसका कलर जल जैसा नहीं है बल्कि पर्पल कलर का है, यानी जो है गुलाबी रंग का है, बैंगनी रंग का है लगभग। तो आप कह सकते हैं कि जल के दो अणुओं के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है, जगह होता है, और उस जगह में पोटेशियम परमैंगनेट के कण इतने छोटे होते हैं कि आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश करके ये विलीन हो जाते हैं, उसी में प्रवेश कर जाते हैं और उसी जैसे हो जाते हैं, यानी जल जैसे हो जाते हैं, उनका स्वरूप जल के समान हो जाता है, क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है और पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा बहुत कम है। मैंने 2-3 कण ही यानी क्रिस्टल ही डाला था, इसलिए इसके कण छोटे, बहुत छोटे, और जल के अणुओं के बीच में जो स्थान है वो बहुत अधिक होने के कारण ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं, किंतु इनका कुछ रंग है, इस वजह से रंग तो दिखाई देता है, और पोटेशियम परमैंगनेट
जल के अणुओं के बीच में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं इनके आकार छोटे हैं, जिनकी चर्चा भी किया मैंने, नमक की चर्चा किया, चीनी की चर्चा किया, पोटेशियम परमैंगनेट की चर्चा किया, एक और उदाहरण मैंने आपको दिया और सेब और सरसों का, उनकी चर्चा किया। सेब की तुलना में सरसों बहुत छोटा है और दो सेब एक साथ रखिए तो निश्चित रूप से, चार सेब एक साथ रखिए तो ये इसी तरह से होगा जैसे ऐसे रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जगह बन रहा है, हम तीन ले लेते हैं। देखिए ये बीकर, हमने तीन बीकर एक साथ जोड़ दिया तो इस स्थान पर आपको जगह दिख रही है, इसी तरह से बीच में भी जगह आपको दिखेगी। तो इन स्थानों पर यदि बहुत सूक्ष्म कण डाला जाए तो वे कण इसमें समाहित हो जाते हैं। हमने तीन यहाँ पर जो है चौक ले लिया है तो देखिए इन तीन चाकों के बीच में भी जगह बन जाती है। इसी तरह से मैंने जो सेब का उदाहरण दिया आपको, सेब को भी एक साथ रखेंगे तो सरसों आप को यदि बिखेर दें तो सरसों उनके बीच में प्रवेश कर जाएगा। और चूंकि सरसों का आकार बहुत छोटा है, सेब का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए वो उसमें समाहित हो जाएगा। इसी तरह से द्रव में जब कोई ठोस के कणों को घोला जाता है, सल्यूशन बनाया जाता है, तो कुछ छोट ठोस के जो है सॉलिड के कण तो द्रव में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं और मिश्रण बन जाता है, समांगी मिश्रण बन जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं घुलते हैं, जैसा कि हमने अभी उदाहरण दिया चीनी, नमक और जल का, ये पूरी तरह से एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, यानी चीनी जो है जल में पूरी तरह से मिल जाता है और उसी जैसा हो जाता है। किंतु यदि हम लोहे के कण को जल में डुबोएं तो लोहे के कण जल में नहीं घुलेंगे और उसमें समाहित नहीं होंगे, वे अलग अलग रह जाते हैं। तो जो कण एक साथ एक दूसरे में डालने पर पूरी तरह से घुल जाते हैं, वे सल्यूशन यानी विलयन, समांगी विलयन बना लेते हैं। तो अभी हम जब विलयन के अन्य प्रकारों के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, अभी हम सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो पदार्थ हैं वो पदार्थ कितने छोटे होते हैं। हेडिंग हमारा है पदार्थ कितने छोटे होते हैं। पदार्थ कितने छोटे होते हैं इस बात की हम जो है यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और हमने इसके कई उदाहरण भी बताया कि पदार्थ जो है वे बहुत छोटे होते हैं। अब ये जो पदार्थ इतने छोटे होते हैं जिनको कि अभी हमने जो है एक बीकर में जल लिया था और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, यदि उसको एक लीटर में भी डाला जाए तो भी, यानी 1000 लीटर में डाला जाए तब भी वो अपना रंग दिखाएगा, कुछ ना कुछ रंग उसका बदलेगा, इसलिए जो है पोटेशियम परमैंगनेट के कण बहुत छोटे होते हैं। इसी प्रकार अब आगे हम लोग जो है जो पढ़ाई करेंगे वो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण की चर्चा करेंगे। तो अगली चीज़ है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ये जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण
मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कण तीन अवस्थाओं में होते हैं और ये कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण में पहला गुण है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस का उदाहरण हम लोग इस बात से लगा सकते हैं कि यदि जिस कमरे में आप बैठे हैं उसी कमरे में किसी एक कोने पर यदि हम कोई सुगंधित पदार्थ रख दें, अगरबत्ती जला के बुझा के रख दें, अगरबत्ती को जलाएं उसके बाद उसको उसकी लौ ना निकलती रहे और बुझा दें सिर्फ धुआं निकलता रहे और उसको रख दें, तो आप देखेंगे कि दूसरे कोने पर कुछ देर बाद इसकी सुगंध वहां तक पहुंचने लगती है और ये सुगंध कैसे पहुंची इस बात को सोचने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा कि कमरे के एक किनारे पर यदि अगरबत्ती की खुशबू दूसरे किनारे तक पहुंच रही है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच रही है, या कोई सुगंधित पदार्थ एक कोने पर रख दिया जाए तो दूसरे कोने पर कुछ देर में पहुंच जाती है, क्यों पहुंच जाती है? कभी आपने सोचा? चूँकि आप विज्ञान के छात्र हैं, आपके अंदर कुछ सीखने की इच्छा है, आप चाहते हैं कि कुछ नया हम करें। यदि आप में ये जज्बा है, यदि आप ये सोचते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसको सोच के बताइए कि ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक ये पदार्थ यानी जो धुआं है वो पहुंच गया है। इसका मतलब गति करके पहुंचा, उसमें कुछ मूवमेंट है, या यदि किसी बीकर में पानी ले लें, उसमें कोई लाल रंग या नीले या स्याही की एक बूंद धीरे से गिरा दें, धीरे से एकदम गिरा दें, उसमें बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा ना होने पाए, गिरा दें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद इसके कण लाल रंग के नीले रंग के, बैंगनी रंग के, जो भी रंग हैं, इन रंगों के जो कण हैं ये पहुंचने लगते हैं दूसरी तरफ, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं और वो हमें आपको अपने आँखों से दिखाई देता है। जैसा कि अभी मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का उदाहरण दिखाया आपको कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण को जब मैंने डाला बीकर में तो वो सबसे पहले नीचे की ओर अपने भार की वजह से, चूँकि सॉलिड है, क्रिस्टल है, वो नीचे की ओर जल में बॉटम पर जाकर ठहर गया, वहीं रुक गया। उसके बाद उसके कण धीरे 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 फैलना शुरू कर दिए और फैल करके पूरे जल में पहुंच गए। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, वे गति करते हैं। ये तो आपने जो है जाना कि जो है पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। दूसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखिए बच्चों, पदार्थ कई तरह से होते हैं। आपने बहुत सारे पदार्थों को देखा होगा कि वे ऐसा लगता है कि आकर्षित नहीं करते हैं, और कुछ का लगता है कि नहीं आकर्षित करते हैं। आपके जहन में तुरंत बात आएगी कि गोंद जो चिपकाने वाला होता है, मोम, च्युइंगम आदि ऐसे पदार्थों का नाम आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये तो चिपका लेते हैं, ये दूसरे पदार्थों को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन सभी पदार्थों का ये गुण होता है कि वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने देखा होगा कि धूल जो कि उड़ती है हमारे शरीर पर आके उड़ के, जब कोई गाड़ी जाती है, चरपहिया, दोपहिया, साइकिल, या फिर हवा के झोंकों या आंधी आदि के द्वारा धूल उड़ता है और उड़कर हमारे चेहरे पर भी आ जाता है। वही धूल यदि जल के संपर्क में आ जाए तो ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, और एक दूसरे के आकर्षण के क्षेत्र में ही रहता है, और वो तब तक एक दूसरे से अलग नहीं होता है जब तक कि उसको बाहर से बल लगा करके तोड़ा ना जाए। ऐसा ही आप अन्य पदार्थों को, आपकी प्लास्टिक की कुर्सी है, या यहाँ पर हमारे पास जो है ये चाक है, ये चाक जो है इसे हम महीन कण के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और तोड़ करके भंगुर होता है, ये तोड़ करके चूर्ण बना सकते हैं। चूँकि हमने बल लगाया और बल लगाने के बाद ये जो है एक दूसरे से अलग हुआ है, लेकिन यदि बल नहीं लगाते तो क्या ये टूटता? नहीं टूटता। तो आकर्षण के दो तीन स्वरूप होते हैं। जैसे यदि हम आपकी एक जो है चेन बनाएं, श्रृंखला बना लें, और जिसमें आप एक दूसरे के नज़दीक आगे पीछे खड़े हों और एक दूसरे के कमर को ऐसे पकड़कर खड़े हो जाएं, तो आगे वाले को आपने पकड़ा, फिर आगे वाले को फिर दूसरे ने पकड़ा, इस तरह से पकड़ के खड़े हो जाएं, तो आप देखेंगे कि एक श्रृंखला बन जाती है। श्रृंखला बनने के बाद आप देखेंगे कि इसमें ये श्रृंखला जिस दिशा में ले जाना चाहे जा सकती है। इसी तरह का एक और श्रृंखला बनाएं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ को पकड़े, दूसरा तीसरे के हाथ को पकड़े, तीसरा चौथे के हाथ को पकड़े, तो इस तरह से पकड़ करके भी श्रृंखला बना सकते हैं। तीसरी श्रृंखला इस तरह से बना सकते हैं कि खड़े तो हम लाइन में ही हों, लेकिन एक की उंगली को छुआए रहें, दूसरे से दूसरे को, तीसरे से तीसरे को, चौथे से छुआए रहें, तो आप बताइए कि कौन सी श्रृंखला सबसे मजबूत होगी? ये मेरा प्रश्न है आपसे कि कौन सी श्रृंखला सबसे मजबूत होगी, उंगली छूने वाली, हाथ पकड़ने वाली, या कमर पकड़ने वाली? अब इसी तरह से पदार्थ भी कई तरीके से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कुछ पदार्थों का आपस में आकर्षण इतना मजबूत होता है कि वो आसानी से एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं। कुछ का आकर्षण एक दूसरे से थोड़ा सा कम मजबूत होता है, और वो कुछ बल लगाने पर
छोड़ देते हैं एक दूसरे को, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि बहुत कम बल लगाइए तब भी वे एक दूसरे को आसानी से छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब हम कभी आकर्षण पदार्थ के आकर्षण बलों की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे कि कौन सा बल कितना मजबूत या कमज़ोर होता है। आपके जो इस पाठ्यक्रम में जो दूसरा अभिलाषणिक गुण था वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपके सिलेबस में, आपके किताब में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको लिख लीजिए और अगले दिन इसको करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, आपको चुनना है। हम बोलने चल रहे हैं पदार्थ के नाम। पदार्थ हैं कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं पदार्थों के नाम, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध। अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, गर्मा गर्म खाने की गंध, गर्मा गर्म खाने की गंध, कई मीटर दूर से ही गर्मा गर्म खाने की गंध, कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक, ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, आपको उसके पास जाना पड़ता है। तीसरा प्रश्न लिखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, तैरते हैं ना, पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रमाणित होता है। एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है ये, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। इन प्रश्नों को आप स्वाध्याय कीजिएगा बच्चों। आज विज्ञान के इस वीडियो में हम यहीं पर वीडियो को रोक रहे हैं। आगे की वीडियो के साथ मैं अनिल मौर्या।
आपके पास पुनः उपस्थित होऊंगा।